जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, अतुल संपत्ति। भाई जी ने कहा कि मुझे जो कुछ लाभ हुआ उसमें संत कृपा के साथ साथ तीन चीज़ों की प्रधानता है। पहला, सब में भगवान को देखना। दूसरा, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। और तीसरा है भगवान नाम का अनन्य आश्रय। यह मेरी अतुल संपत्ति है और इतनी विशाल है कि असंख्य लोगों के द्वारा इसके ग्रहण किए जाने पर भी यह कम नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान और भोग में बड़ा अंतर बताया है। उनके स्वरूप, साधन और फल के संबंध में सात बातें स्मरण रखें। भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है, इच्छा से नहीं होती। भगवान प्राप्त होने पर कभी बिछुड़ते नहीं और भोग बिना बिछड़े कभी रहते नहीं। भगवान की प्राप्ति जब होती है पूरी होती है, भोगों की प्राप्ति सदा अधूरी ही होती है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होते ही पापों का नाश होने लगता है। भोगों को प्राप्त करने की इच्छा होते ही पाप होने लगते हैं। भगवान को प्राप्त करने की साधना में शांति मिलती है और भोगों को प्राप्त करने की साधना में अशांति बढ़ती है। भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला सुख शांति पूर्वक मरता है और भोगों का स्मरण करते हुए मरने वाला अशांति और दुख पूर्वक मरता है। भगवान को स्मरण करते हुए मरने वाला निश्चय ही भगवान को प्राप्त होता है और भोगों का स्मरण करते हुए मरने वाला निश्चय ही नरकों में जाता है। इन सात वेदों को समझकर मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य निरंतर भगवान का भजन ही करे। जय श्री राधे।